गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हुआ है पार्ट 9, जो कि कविता है चमक रहा है तेज तुम्हारा। पेज नंबर है 36। चमक रहा है तेज तुम्हारा जो कविता है, उसके कवि कौन है? सोहनलाल द्विवेदी हैं। चमक रहा है तेज तुम्हारा, बनकर लाल सूर्यमंडल, फैल रही है कृति तुम्हारी, बन करके चांदनी धवल। तो पहले जो पंक्ति है क्या है? चमक रहा है तेज तुम्हारा, बनकर लाल सूर्यमंडल, फैल रही है कृति तुम्हारी, बन करके चांदनी धवल। तो कवि जो है यहाँ पे किसका गुणगान करें? सूर्य के गुणगान करें। सूर्य का जो तेज होता है, सूर्य का जो प्रकाश होता है, उसे चारों जो सूर्य मंडल है, जो घेरा है, वह चमकने लगता है। और सूर्य के जो प्रकाश है चारों तरफ फैलती है, तो ऐसा लगता है जो उसकी कृति यानी उसका यश चारों तरफ फैल रहा है। चांदनी धवल यानी चांदनी से क्या है? उज्ज्वल है, सफेद है। तो जब सूर्य की किरणें चारों तरफ पड़ती है, तो चारों तरफ क्या होता है? उजाला ही उजाला हो जाता है। सूर्य की चमक चारों तरफ फैल जाती है। चमक रहे हैं लाखों तारे, बन तेरा श्रृंगार अमल, चमक रही है किरण तुम्हारी, चमक रहे हैं सब जल थल। चमक रहे हैं लाखों तारे, बन तेरा श्रृंगार अमल, चमक रही है किरण तुम्हारी, चमक रहे हैं सब जल थल। तो दूसरी जो पंक्ति है उसमें कवि क्या बोल रहे हैं कि जो लाखों तारे हैं वे चमक रहे, जैसे लग रहा है कि तुम उसे सुशोभित हो, उसे सजे हुए हो, और तुम्हारी जो किरण है वो क्या हो रही है? वह चमक रही है। और तुम्हारी किरणों की चमक से जो भी जल है, थल है, वो भी क्या हो रहे हैं? वो भी चमक रहे हैं। हे जग के प्रकाश के स्वामी, जब सब जग दमका देना, मेरे भी जीवन के पथ पर कुछ किरणें चमका देना। हे जग के प्रकाश के स्वामी, जब सब जग चमका देना, मेरे जीवन के पथ पर कुछ किरणें चमका देना। तो जो लास्ट पंक्ति है उसमें कवि क्या बोल रहे हैं? हे जग के यानी इस जग के जो प्रकाश के स्वामी कौन है? सूर्य देव है। तो बोल रहे हैं कि जब आप पूरे संसार में जब किरणें आप दमका देंगे, जब चमका देंगे, तो मेरे भी जीवन के पथ पर, मेरे भी जो जीवन के रास्ते हैं उस पे आप कुछ किरणों को चमका दीजिएगा। ठीक है, तो हम भी क्या कर सकते हैं? हम भी ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे भी जीवन में क्या हो? रोशनी हो। हम भी जीवन में आगे बढ़े। हम भी जीवन में क्या करें? जिस तरह सूर्य की कीर्ति उसका जो किरण है चारों तरफ फैलती है, वैसी तरह हमारे जीवन में क्या हो? रोशनी हो, जिससे हम भी आगे बढ़ सके। तो इस कविता को हम लोग गौर पर पढ़ लेते हैं। चमक रहा है तेज तुम्हारा, बनकर लाल सूर्यमंडल, फैल रही है कृति तुम्हारी, बन करके चांदनी धवल। चमक रहे हैं लाखों तारे, बन तेरा श्रृंगार अमल, चमक रही है किरण तुम्हारी, चमक रहे हैं सब जल थल। हे जग के प्रकाश के स्वामी, जब सब जग दमका देना, मेरे भी जीवन के पथ पर कुछ किरणें चमका देना। तो आप लोग इस कविता को अच्छे से पढ़िएगा, इसको अपने फेयर कॉपी में लिखकर उसे याद भी करना है। इसमें जो शब्दार्थ है, तेज का अर्थ होता है आभा, सूर्य मंडल का अर्थ होता है सूर्य का घेरा, कृति का अर्थ होता है यश, धवल का अर्थ होता है उज्ज्वल, श्रृंगार का अर्थ होता है साज सजा, अमल का अर्थ होता है स्वच्छ, प्रकाश का अर्थ होता है उजाला, और पथ का अर्थ होता है रास्ता। तो आप लोग इस कविता को अच्छे से याद कीजिएगा, और इसमें जो व्याकरण है उसे हम लोग क्लास में करेंगे।